सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक गैटिंग में। दोस्तों आपका स्वागत है। सो दोस्तों आई एम पवन और आप देख रहे हैं टेक गैन टेक। दोस्तों रोज की तरह आज मैं फिर आज हूँ एक न्यू वीडियो के साथ में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियो को सजेस्ट में कैसे ला सकते हैं। आपको दोस्तों पता होगा जब तक आपकी वीडियो कोई सजेस्ट रिकमेंडेशन और सजेस्टेड वीडियो में नहीं जाती, आपका जो वीडियो है कभी कोई वायरल नहीं होता है। और आपको ये भी चीज़ पता होगा कि जब भी आपका वीडियो कोई वायरल नहीं होता तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। फिर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका YouTube पे कोई वीडियो वायरल नहीं होता तो आपका जो मोनेटाइजेशन एरिया है वो कंप्लीट नहीं होता है। जहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम का, वो आपका कंप्लीट नहीं होता। चाहे आप जितने वीडियो बना लें, अगर आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन जब तक आपका वीडियो कोई सजेस्ट रिकमेंडेशन में नहीं जाएगा, यूट्यूब सर्च में नहीं जाएगा, तब तक आपका 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट नहीं होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप 4000 वॉच टाइम जो है वन के आपके सब्सक्राइबर है, किस तरीके से आप अपनी वीडियो को सजेस्ट में ला सकते हैं, रिकमेंडेशन में ला सकते हैं, यूट्यूब सर्च में ला सकते हैं, जिसका आपका वीडियो सर्च करेगा और सर्च करने के बाद आपका जो वॉच टाइम है वो 100% गेन होगा और आपके सब्सक्राइबर भी गेन होंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो सब्सक्राइबर आएगा तो आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, आपका व्यूज भी बढ़ेगा, सब कुछ उससे बढ़ेगा। जब तक आपका वीडियो सजेस्ट में नहीं आएगा, जब तक वीडियो आपका सजेस्ट में आएगा तब जाके सब कुछ आपका उसमें इंक्रीज होने लगेगा और आपका चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताने किस तरीके से वीडियो सजेस्ट में लाया जाता है। तो मैं आपको बताने देना चाहता हूँ, जो भी आप टॉपिक क्रिएट करते हैं और टॉपिक क्रिएट करने के बाद जो भी आप सर्च करते हैं किस तरीके से वीडियो सजेस्ट में लाना। चलते हैं दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं वीडियो किस तरीके से सजेस्ट में लाया जाता है। जो भी हमारे चैनल से नए आए हैं और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों आपको पता होगा डे बाय डे मैं आपको न्यू जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप एक नई जानकारी सीख सकते हैं, नई जानकारी के साथ जुड़ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं किस तरीके से वीडियो सजेस्ट में लाया जाता है मोबाइल से। चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। सो यहाँ पे फाइनल गया, जैसे कि आपको पता होगा मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद डायरेक्ट हम चलते हैं प्ले स्टोर में। तो आपको प्ले स्टोर में आना है इस तरीके से। यहाँ पे आपको एक टॉप एक ऐप सर्च करना है जहाँ पे लिखा होगा वाई टूल करके। तो आप वाई यहाँ पे टूल करके ये सर्च कर देना इस तरीके से, वाई टूल आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से। बस आपको क्या करना है, इसे को इंस्टॉल करना है, क्योंकि मेरा अपडेट मांग रहा है, मैंने अभी अपडेट किया नहीं है। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको मैं कुछ इंटरफेस आपको बता देना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम यहाँ पे अपने यूट्यूब पे आ जाते हैं इस तरीके से। तो मेरा यूट्यूब यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो थोड़ा मेरा नेट स्लो है, तो इस तरीके से थोड़ा ये मेरा यूट्यूब यहाँ पे ओपन हो गया इस तरीके से। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूट्यूब सर्च बार में आना है और यहाँ पे आपको अपना टॉपिक सर्च करना है जिस टॉपिक पे आपने वीडियो बनाया होगा। तो आपने किस टॉपिक वीडियो बनाई है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जिस टॉपिक वीडियो बना रहा हूँ वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि वीडियो सजेस्ट में कैसे लाया जाता है। तो मैं चलिए यहाँ पे यही सर्च करता हूँ, वीडियो सजेस्ट में कैसे लाएं। तो यहाँ पे चलिए सर्च करते हैं वीडियो सजेस्ट में कैसे लाएं। तो यहाँ पे सर्च करते हैं कैसे लाएं इस तरीके से, और यहाँ पे सर्च कर देना। जैसे आप सर्च कर देंगे वीडियो सजेस्ट में कैसे लाएं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के वीडियो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको जो वन ईयर वाले वीडियो हैं वो आपको नहीं लेने हैं, और जो भी यहाँ पे टू मंथ वन मंथ और जो भी नई पोस्टें हुई हैं उनका वीडियो आपको यहाँ पे लेना है। तो किस तरीके से लेना है मैं आपको यही चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बंदे ने अभी वीडियो सजेस्ट में किया था जिसका 38K व्यूज आया है 7 महीनों में। तो वीडियो सजेस्ट में करेगा इसका वीडियो वायरल होने के चांस रहते हैं। और यहाँ पे अभी बंदे ने पोस्ट किया है, यहाँ पे 9 दिन के 96 व्यूज आए हैं। तो आपको इसको नहीं लेना है जिसपे आपके ज़्यादा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 46 व्यूज आए हैं एक दिन के अंदर, यानी मतलब 46K व्यूज आए हैं एक दिन के अंदर। आपको किस क्या करना है, इसी वाले वीडियो को प्ले कर लेना इस तरीके से, जिस तरीके से वीडियो को प्ले करा। तो आपको भी इसी तरीके से वीडियो प्ले कर लेनी है। प्ले करने के बाद आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिख जाएगा, शेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो सभी वीडियो का यहाँ पे आपको देख लेना है इसी तरीके से, जिसपे ज़्यादा व्यूज आए हैं मतलब कम दिनों में, वो वीडियो आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो उसके बाद डायरेक्ट हम चलते हैं उस वाई टू टूल में जो हमने इंस्टॉल किया था, वाई टू टूल। वहाँ पे आप वाई टू टूल में आने के बाद इस तरीके से वाई टू टूल मेरा यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो वाई टू टूल यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे गेट टैग URL करके आपको यहाँ पे इस तरीके से जो भी हम लिंक वहाँ पे कॉपी किए थे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे सर्च कर देंगे। तो यहाँ पे गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ये सर्च कर लेगा इस तरीके से। तो आपके सामने जितने सारे उसके टैग हैं वो सारे टैग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी टाइटल कर लेना है। और जैसे आप कॉपी टाइटल उसका कर लेंगे, कॉपी टाइटल करने के बाद आप ये अगर टाइटल अपनी वीडियो में इसका डाल रहे हैं, अर्जेंट वीडियो फॉर ऑल यूट्यूबर, सिर्फ 14 दिन बाकी हैं, ये फॉर्म भरो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा अर्जेंट वीडियो फॉर ऑल यूट्यूबर के लिए, तो आपको इसमें कुछ चेंज कर देना है। चाहे आप 2021 डाल दिए, 2022 डाल दीजिए, या 14 दिन के जगह आप 15 दिन कर लीजिए, 15 दिन के जगह आप 30 दिन कर लीजिए। इस तरीके से उसके टाइटल में कुछ ना कुछ चेंज करना है, मतलब सेम टाइटल नहीं जाना है, डालना है कुछ ना कुछ चेंज करना है। अब जब आप यहाँ पे टाइटल आप डालेंगे, उसका टाइटल डालने के बाद कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, तो जो भी इस वीडियो का टाइटल होगा, जो भी
वीडियो यूट्यूब पे सर्च करेगा तो आपका वीडियो जब इस पे बंदा कोई क्लिक करेगा इस वाली वीडियो पे तो इसके नीचे आपकी वीडियो सजेस्ट करेगी, तो 100% वीडियो सजेस्ट करेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका डिस्क्रिप्शन आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको नोट पैड बना लीजिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे नोट पैड बनाया है। मेरा नोट पैड यहाँ पे देखिए, सारे मैंने ऐसे ही काम करता हूँ, यहाँ पे मेरा नोट पैड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी किया था इस तरीके से डिस्क्रिप्शन उसको यहाँ पर लिख देना है और देख लेना है इसके डिस्क्रिप्शन में इसने क्या क्या डाला हुआ है। तो जो भी टेक टाइटल इसने डिस्क्रिप्शन में डाले होंगे वो सारे टेक आपको कॉपी कर लेने हैं। तो यहाँ पे इसने कोई टेक टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, जिसमें कॉपी क्या होगा उसको ले लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लकी पांडे का वीडियो यहाँ पे एक आ रहा है जहाँ पे लिखा होगा 7.2 के व्यूज ऑन यूट्यूब करके, बस इसको यहाँ पे क्लिक कर देना और इसका भी लिंक यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना। तो यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेंगे या डायरेक्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा वाइट टू टूल करके, बस इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके भी सारे टेक आपको टाइटल डाल लेना है, उसके बाद इसका जो टाइटल होगा ये कॉपी कर लेना है, अपने टाइटल के डिस्क्रिप्शन में डाल देना। तो ऐसे करके आपको 5-10 वीडियो का टाइटल कॉपी करना है और अपने डिस्क्रिप्शन में डालना है, उसके ऊपर लिख देना है योर कवरेज करके, उसके नीचे सारे वीडियो के टाइटल आपको 10-15 वीडियो के टाइटल डाल लेने हैं। और जैसे आप 10-15 वीडियो के आप टाइटल डाल लेंगे उसके बाद जो भी उस बंदा उस वीडियो पे क्लिक करेगा तो उसके नीचे आपका वीडियो सजेस्ट करेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो जिस बंदा, जैसे मैंने लकी पांडे का वीडियो लिया, अगर कोई बंदा इस वीडियो पे क्लिक करेगा तो इसके नीचे आपका वीडियो सजेस्ट करेगा, ये मेरी ट्रिक है, 100% ट्रिक है, ये वर्क करती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट जरूर करना, उसका मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर।